गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। आज का वीडियो होने वाला है शॉर्ट्स वीडियो एडिटिंग के ऊपर। थोड़े दिन पहले मैंने थोड़े बहुत शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किए थे, तो आप लोगों ने बोला था कि शॉर्ट्स वीडियो का ट्यूटोरियल भी लेके आओ, तो फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ शॉर्ट्स वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल। तो उसके लिए आपको कैपकट ऐप का ज़रूरत पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसको ओपन करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाके सिक्योर वीपीएन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको ओपन करके कनेक्ट कर लेना है, फिर कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपको कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है, तो ये मैं ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद आपको अपने क्लिप को ऐड कर लेना है। ये मैंने अपने क्लिप को ऐड कर लिया है, जो एक वन शॉट है। तो क्लिप को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जहाँ पे आपका वन शॉट लग रहा है उससे थोड़ा आगे आपको स्लो मो ऐड करना है। तो स्लो मो ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले क्लिप को कट करना पड़ेगा। तो चलिए हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बंदा हवा में स्टेबल हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे, स्प्लिट कर देंगे और थोड़ा आगे जहाँ तक हमको स्लो मो चाहिए, यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ तक दूसरा कट लगा देंगे। तो अब जो ये बीच वाला पार्ट है ना, इसमें हम स्लो मो ऐड करेंगे। तो स्लो मो ऐड करने के लिए आपको क्लिप पे क्लिक करना है, उसके बाद स्पीड पे जाना है। स्पीड पे जाके नॉर्मल में, नॉर्मल में जाके ये जो 1x दिख रहा है ना, उसको आप पूरा माइनस कर लो। आप अपने वीडियो के हिसाब से आपको जितना चाहिए वो उतना कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको ये मेक इट स्मूथर का ऑप्शन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करो और बेटर क्वालिटी पे कर दो, तभी आपका स्मूथ स्लो मो होगा। ये करने के बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो कुछ ऐसा प्रोसेस आपको दिखेगा जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो एकदम स्मूथ स्लो मो हो गया है। तो अभी स्लो मो तो हो गया, अभी हेडशॉट से आगे स्लो मो हो गया, अब हेडशॉट लग रहा है उसके बाद भी स्लो मो ऐड करेंगे। तो देखते हैं कहाँ पे हेडशॉट, यहाँ पे हेडशॉट लग रहा है, उसके बाद हम यहाँ पे स्लो मो ऐड करेंगे। तो फिर से वही सेम प्रोसेस जो हमने पहले किया था, यहाँ पे स्प्लिट कर दो और जहाँ पे आपको स्लो मो चाहिए वहाँ तक आप फिर से स्प्लिट कर दो और लास्ट वाला पार्ट को डिलीट कर दो और बीच वाले को क्लिप पे क्लिक करो और स्पीड पे जाओ। नॉर्मल में जाके वीडियो का स्पीड आप जितना चाहिए उतना रख सकते हो, आप अपने वीडियो के हिसाब से भी रख सकते हो, लेकिन ये ज़रूर करना बेटर क्वालिटी वाला, तभी आपका स्लो मो स्मूथ होगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एकदम स्मूथ स्लो मो हो जाएगा। तो चलिए मैं ये पार्ट को भी स्किप कर देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देख सकते हो दोनों क्लिप स्लो मो हो गई है। तो अब आपको म्यूजिक को ऐड कर लेना है। म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको ऐड ऑडियो पे क्लिक करना है, फिर साउंड में जाना है, फिर अपने फोल्डर में और फ्रॉम डिवाइस वाले में सर्च में आपको म्यूजिक का नाम सर्च करना है। आपको म्यूजिक का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए म्यूजिक को हम पहले वीडियो के हिसाब से, बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप सुन, देखो यहाँ पे हेडशॉट लग रहा है और ये वहाँ पे हेडशॉट, ये आगे वाला कुछ नहीं है। तो इसको हम कट कर देंगे, स्प्लिट, और आगे वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे। अब इसको आगे ले लेंगे, अभी सुनते हैं। हेडशॉट म्यूजिक में हेडशॉट यहाँ पे लग रहा है और वीडियो के क्लिप में यहाँ पे है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये पहले वाला पार्ट है ना जहाँ पे बंदा रन कर रहा है, उसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे। जब तक हमारा बीट के हिसाब से मैच नहीं होता हेडशॉट, तब तक हम कट कर देंगे। अभी देखते हैं। अभी हेडशॉट यहाँ पे लग रहा है और क्लिप में हेडशॉट यहाँ पे लग रहा है, तो अभी थोड़ा और कट करना पड़ेगा। आप भी अपने वीडियो के हिसाब से कट कर लेना। आपको म्यूजिक का लिंक और ये वीडियो का, दोनों का लिंक
क्लिप का दोनों का लिंक मिल जाएगा, आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। अभी शायद थोड़ा परफेक्ट हुआ है। अभी थोड़ा सा बाकी, तो चलिए मैं कर लेता हूँ ये, अब हो जाएगा शायद। अब परफेक्ट हो गया। अब देखो आप, ये हो जाने के बाद ये लास्ट यहाँ पे हेडशॉट लगा, फिर उसके बाद वाला क्लिप है ना, उस पर हम शेक इफेक्ट ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये क्लिप पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे एनिमेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पे क्लिक करो। उस पे क्लिक करने के बाद आपको इन एनिमेशन वाले ऑप्शन में आके शेक 3 वाला इफेक्ट को चूज करना है, और उसको चूज करने के बाद ये यहाँ तक रहेगा। देखो ये जो ब्लू जैसा लाइन दिख रहा है ना यहाँ तक, तो उसको थोड़ा लंबा करने के लिए आपको ये नीचे वाली लाइन को बढ़ाना होगा। तो हम यहाँ तक रखेंगे, यहाँ तक। अब देखते हैं अब कैसा लग रहा है। अब परफेक्ट लग रहा है। अभी यहाँ पे एक दूसरा भी इफेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे हमको कट करना पड़ेगा, और फिर से यहाँ पे हमने जो इन एनिमेशन में जाके शेक 3 यूज़ किया था ना, उसी को यूज़ करेंगे, और इसका भी लेंथ थोड़ा बढ़ाएंगे। तो दो बार वीडियो में शेक दिखेगा आपको, ये देखो। तो यहाँ पे म्यूजिक ही ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे करना था। तो चलिए मैं पीछे थोड़ा बैक कर लेता हूँ, ये यहाँ पे कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे उसी पे को ऐड कर लेता हूँ। इन एनिमेशन और शेक 3, और यहाँ तक म्यूजिक है, तो वीडियो को भी यहाँ तक ही रखेंगे, बाकी का पार्ट को डिलीट कर देंगे। अब आप पहले से वीडियो देख लो, एकदम इजी है गाइज। आप थोड़ा ट्राई करना, प्रैक्टिस करोगे तो एकदम इजी से हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद आपको कलर ग्रेडिंग थोड़ा करना पड़ेगा, तो आपका क्लिप और भी अच्छा लगेगा। तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको नीचे फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा और एडजस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, फिर उसमें सेचुरेशन को थोड़ा बढ़ा दो और शार्पन को भी बढ़ा दो, ताकि थोड़ा वीडियो का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, और हाईलाइट को थोड़ा कम कर दो और शार्पन को और बढ़ा दो। अभी ये भी इसको आप पूरे वीडियो पे अप्लाई कर लो, और क्या अभी कैप कट में आप वीडियो को सेव कर लो, उसके बाद हम 3D Loot ऐप में थोड़ा कल 3D Loot ऐप में कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और 3D Loot में ओपन कर लेता हूँ। ये वीडियो एक्सपोर्ट हो गए, अभी इसको हम 3D Loot ऐप में ओपन करेंगे। तो 3D Loot ऐप को ओपन करो, ओपन करने के बाद ओपन गैलरी में जाके अपना जो भी अपने वीडियो बनाए हैं उसको ऐड कर लो। ये देखो ये वीडियो ऐड हो गया। अब क्या करना है आपको, ऊपर बेसिक और लूट दो ऑप्शन दिखेगा, तो लूट वाले पे क्लिक करो। लूट वाले पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट में लूट स्टोर दिखेगा, आप अपना मोबाइल का डेटा ऑन रखना, और ये कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और फर्स्ट वाला जो है ना उस पर क्लिक कर दो, और उसका जो अमाउंट रहेगा उसको थोड़ा माइनस कर दो। अब देखो अभी उसको थोड़ा प्लस करो, बस इतना। अब आप अरे यार साउंड, अब इसको सेव कर दो। तो आज का वीडियो गाइज इतना ही था, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और आपको तो पता ही है कि वॉइस ओवर ठीक से नहीं होता, तो एडजस्ट कर लेना।
और नेक्स्ट ट्यूटोरियल भी हम जल्दी ही लेके आ जाएंगे। आपको बताना है कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।